Okay, so warm welcome to all of you towards the first meeting of APGR's Global Senior Secondary School. और ये बहुत ही प्राउड की बात है कि हम लोग अपनी एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, और ऐसे ही फ्यूचर में बहुत सारी टेक्निक्स और टेक्निकल ग्राउंड पे हम लोग मीटिंग्स करते रहेंगे ताकि हमारे स्कूल टेक्निकली अपग्रेड हो सके और हम अपने काम को ईजी कर सकें और जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनको आसानी से मेनटेन कर सकें. ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी टेक्निक्स, जो भी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें वर्कआउट की जाती हैं, इनका एक बेसिक फंक्शनल जो है पार्ट होता है. लेकिन हम उसके उसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने यूजेज में बेस्ट से बेस्ट व्यू में या बेस्ट से बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ला सकते हैं. तो जैसा कि हम लोगों ने गूगल क्लासरूम पे अपने पूरे स्कूल को रन कर लिया, तो गूगल क्लासरूम पे क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो हमें समझना है. सबसे पहले कि उस गूगल क्लासरूम पे क्लास टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और सब्जेक्ट टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, एंड दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी इजी. मीन्स अगर हम बात करें क्लास टीचर्स की, तो क्लास टीचर्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है गूगल क्लासरूम पे वो है, सबसे पहला दैट इज डेली अटेंडेंस रिपोर्ट. वो कैसे किया जाएगा, एक एक चीज बताई जाएगी. पहले हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट. ओके, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक है. अब इसमें क्या करना है, उसके लिए हम आते हैं अपने गूगल क्लासरूम के इंटरफेस पे. ये जो इंटरफेस है ये ओपन होता है डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, और ये वाला जो इंटरफेस है ये ओपन होता है आपके मोबाइल पे. हम दोनों चीजें वर्कआउट करेंगे कि मोबाइल पे कैसे करेंगे और हम लैपटॉप पे कैसे करेंगे. तो ये वाला इंटरफेस मोबाइल का इंटरफेस है और ये वाला इंटरफेस लैपटॉप का या डेस्कटॉप का इंटरफेस है, ठीक है. तो सबसे पहले क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अटेंडेंस रिपोर्ट में क्या करना है, उसके लिए हम एक क्लास को सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लास 6, इसको हमने सेलेक्ट किया, और जैसे ही हम किसी क्लास को क्लिक करते हैं एक स्ट्रीम सेक्शन आता है. स्ट्रीम सेक्शन वो है जहां पे जो भी अपलोड होगा या जो भी मैसेज क्लास को कन्वे करने होगा वो यहाँ पे आता है स्ट्रीम सेक्शन में. दिस इज द स्ट्रीम सेक्शन, ठीक है. जो जो चीजें देखिए अपलोड हुई हैं वो सारी चीजें दिखाता है. इसीलिए कुछ भी हमें अपलोड करना हो तो उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि हमें या दूसरे अलायंस टीचर को या फिर स्टूडेंट को या पेरेंट को कंफ्यूजन ना हो कि इस स्ट्रीम में, इस अपलोड में क्या कहा गया है. तो यहाँ पे मोबाइल में जो स्ट्रीम सेक्शन आता है वो इस तरीके से आता है. दिस इज द स्ट्रीम सेक्शन, ठीक है. जैसे मैंने क्लास 6 को सेलेक्ट किया तो ये वाला स्ट्रीम सेक्शन आता है जहां पे हमें अपलोड्स दिखाई देते हैं, क्या क्या अपलोड्स हुए हैं, ठीक है. अब उसके बाद अटेंडेंस रिपोर्ट के लिए, हमें बनाने के लिए हम आते हैं क्लास वर्क सेक्शन में. तो यहाँ पे क्लास वर्क टैब दिया हुआ है तो क्लास वर्क सेक्शन में आएंगे, और उसी तरह से मोबाइल सेक्शन में भी नीचे दिया होगा टैब, यहाँ पे क्लास वर्क सेक्शन में हम आ जाएंगे, ठीक है. ये मोबाइल का है और वो लैपटॉप का है या डेस्कटॉप का है. अब अटेंडेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, एकेडमिक कैलेंडर, टाइम टेबल, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट. तो इसमें डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में क्या करना है, देखिए ये कॉमन ऑप्शन है, दैट इज क्रिएट, ठीक है. क्रिएट, जहां जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है असाइनमेंट, यहाँ पे क्विज असाइनमेंट. एक्सक्यूज यस, मी सर, मुझे क्लियर आप फोटो भी यूज नहीं हो रहा है सर। अच्छा, नेटवर्क का इशू होगा. सर नेटवर्क का इशू नहीं है सर, बाकी सबका फिगर मुझे जैसे सीवेश सर कोई भी शो नहीं कर रहा है। नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, स्पीड एंड कनेक्टिविटी इज गुड, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने HD में पूरा कर रखा है. आप देख सकते होंगे स्पीड जो जी है यहाँ से जो आ जा रहा है दैट इज, वो हो सकता है उधर से नेटवर्क इश्यू रिसीविंग में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो फिर. उसको रीज्वाइन कर ली, कभी कभी दिक्कत आती है ना, जैसे स्टूडेंट से ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वो रीज्वाइन करते हैं तो हो जाता है. अब क्लियर है?
तो यहाँ पे क्रिएट सेक्शन में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे हमें असाइनमेंट दिखता है, क्विज असाइनमेंट दिखता है। असाइनमेंट मतलब जब भी हम इसमें कुछ भी अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी हम ए लेवल सीख रहे हैं, तो ए लेवल में अभी हम ऑनलाइन यहाँ पे असाइनमेंट्स कुछ नहीं देंगे इस सेशन में, क्योंकि असाइनमेंट को सीखना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर अलग से पूरी वर्कशॉप रन करती है। तो हम जो असाइनमेंट्स देंगे, कैसे देंगे वो हम बताएंगे, ताकि हम उनको फिजिकली या वर्चुअली यहाँ पे स्कूल में जो है वो चेक कर सके। तो असाइनमेंट दे सकते हैं हम, अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका वो आंसर कर सकते हैं। मैं इसका एक डेमो भी आपको दिखाऊंगा जो हमने अजीजा पे वर्कआउट किया है। मेन जो हम सारे टीचर्स को यूज करना है इस बार, क्योंकि मैंने इसीलिए एकदम ए लेवल पे अभी चल रहे हैं, कि जो मटेरियल सेक्शन को यूज करना है, मटेरियल को, यानी जो भी कन्वे करेंगे वो मटेरियल सेक्शन से करेंगे। इसी तरीके से जब हम मोबाइल सेक्शन में आते हैं तो डेली अटेंडेंस रिपोर्ट हमें रेडी करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है। जैसे ही हम प्लस साइन बना पे क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट, टॉपिक, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हमारा कंसर्न जो सारे टीचर्स का होगा, जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं या फिर जो है हमारा क्लास टीचर है, उन सब का कंसर्न होगा मटेरियल सेक्शन पे। ठीक है, अब देखिए डेली अटेंडेंस रिपोर्ट के लिए क्या करना होगा, हम मटेरियल पे गए, ठीक है। टाइटल में हम क्या डालेंगे, टाइटल में हम डालेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ लें सारे क्लास टीचर जो अभी ज्वाइन नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में भी अगर देखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। टाइटल में सबसे पहले हम डालेंगे डेट, जो उस दिन की डेट होगी, जैसे डेट है तो डेट हमने डाला 13/12/2020। उसके बाद ठीक है एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और वो डे डालेंगे, जैसे आज हो गया संडे, ठीक है, ये हमने डाला, ताकि गार्जियन जैसे ही वहां पे देखेगा टाइटल को, जो कि क्योंकि जब हम अपलोड करते हैं तो देखिए टाइटल्स दिखाई देते हैं, सी दिस, जब हम कुछ भी अपलोड करते हैं देखिए यहाँ पे टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं, तो टाइटल देखते ही गार्जियन समझ जाएगा ये इस डेट की अटेंडेंस है। तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमने डाला डेट, यानी सबसे पहले डेट डालना है, उसके बाद वो डे लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ हमें लिखना है नेम ऑफ एब्सेंटीज, बस इतना करना है, ठीक है। लेकिन क्लास टीचर्स बहुत ध्यान दें कि अगर कोई बच्चा लेट हो गया है, ठीक है, तो उसको गूगल क्लासरूम पे ये डेली वर्क होगा, वो घर पे भी जाके कर सकता है, स्कूल से भी कर सकता है, लेकिन अपलोड करने से पहले, इसमें जाने से पहले जो है वो एक बार कंफर्म कर ले, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा प्रेजेंट हो, लेट आया हो और हमने उसकी खबर ना ली हो और हम उसका एब्सेंटीज में नाम दे दें, क्योंकि एक स्कूल में ऐसा हो चुका है जिससे प्रॉब्लम बहुत आ गई थी, क्लास टीचर ने थोड़ा सा केयरलेसनेस दिखाई, वो बच्चा प्रेजेंट था और एब्सेंट लग के पहुंच गया था, तो वो फिर प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज्यादा, और गार्जियन जाहिर सी बात है कोई भी होगा वो परेशान हो जाएगा। तो नेम ऑफ एब्सेंटीज में जाना है और उसके बाद जो भी नाम है हम कॉमा कट करके उन बच्चों के नाम को सिर्फ लिख देंगे, बस। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज टॉपिक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ये सेलेक्ट नहीं किया तो ये जो हमारे टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे, ये जो टॉपिक्स होते हैं इसमें, ये देखिए ये जो टॉपिक्स हैं, एकेडमिक कैलेंडर, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट, जर्नल नोटिस, किस में अपलोड करना है आपको, तो यहाँ पे हम डेली अटेंडेंस रिपोर्ट को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इसमें और जाएंगे डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में, ठीक है। देखिए डेली अटेंडेंस, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन आ गया, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में हम गए। इस टॉपिक को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है हर बार, मैं एक एक सेक्शन को बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत माइन्यूटली बताऊंगा। तो जब हम डेली अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे, एक क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसमें आपको सबसे पहले टाइटल में डेट डालना है और उसके बाद डे लिखना है और नेम ऑफ एब्सेंटीज करके उन बच्चों के नाम लिख देना है। कंफर्म करने के बाद चाहे आप स्कूल से अपलोड कर दें अपने मोबाइल से या फिर आप घर पे जाके उसी दिन उसको अपलोड करना है, और कोशिश यही करनी है कि स्कूल से अपलोड कर दे, इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, ठीक है। और टॉपिक को सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि अगर टॉपिक आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ये स्ट्रीम हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ शो होगा, किधर शो होगा, टॉप पे शो होगा, वो फिर दिक्कत आएगी गार्जियन को ढूंढने में, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डेली अटेंडेंस रिपोर्ट अगर हमें मोबाइल से क्रिएट करनी हो तो हम देखिए यहां पे जाते हैं प्लस साइन में, हाँ।
ठीक है, प्लस साइन में जाएंगे, ठीक है, प्लस साइन में गए, मटेरियल में गए। अब देखिए ये मोबाइल का इंटरफेस खुल गया, तो यहां पे हम डालेंगे सबसे पहले डेट 13/12/2020, ठीक है। उसके बाद हम एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट करेंगे विद द स्टैंडिंग मार्क, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हमने डे डाला संडे, डिस्क्रिप्शन में गए, हमने डाला नेम ऑफ एब्सेंटीज, ठीक है, और हमने नेम ऑफ एब्सेंटीज लिख दिया, आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं जैसा चाहें, और नीचे दिया हुआ टॉपिक, इस टॉपिक पे क्लियर किया, और उसके बाद जो है डेली अटेंडेंस रिपोर्ट सेलेक्ट किया। और मोबाइल में आपको यहां पे देखिए एक बार सेव पे जाना पड़ेगा, तो डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में अब ये स्ट्रीम होगा, और यहां पे देखिए एक टेलीग्राम की तरह आइकन ऊपर बन रहा है, वो सेंड का है, तो अभी मैं सेंड नहीं करूंगा क्योंकि सेंड किया तो वो चला जाएगा, स्ट्रीम हो जाएगा। तो यहां पे क्लास वर्क में यहां पे क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। देखिए पोस्ट का सेक्शन है, ओके, इसमें किसी को कंफ्यूजन है, किसी क्लास टीचर को डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में, तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, और जो है वो आप इनिशियल सेक्शन को देख सकते हैं जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, लेकिन लाइव सेक्शन बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में क्या करना है, कैसे करना है, अगर किसी क्लास टीचर को कंफ्यूजन है तो। किसी को नहीं तो चैट बॉक्स में नो नो लिख के भेज दीजिए। ओके, अब सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए यहां पे हमने अभी नहीं किया था, देखिए यहां पे डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में ड्राफ्ट बन के आ गया, मतलब ये अभी पोस्ट नहीं हुआ है, देखिए ड्राफ्ट बन के आ गया, तो मैं यहां से अब इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर ड्राफ्ट होगी तो वो टीचर्स देख पाएंगे, गार्जियंस नहीं देख पाएंगे, और कोई भी चीज डिलीट होगी तो फिर ना वो गार्जियन या पेरेंट या स्टूडेंट वहां अपने सेक्शन से कुछ भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने डेली अटेंडेंस रिपोर्ट का सेक्शन जो है वो डिलीट कर दिया, ओके। अब आते हैं क्लास टीचर की सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्लास टीचर की जो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको समझते हैं, और जब हमारा स्कूल उस सॉफ्टवेयर को ओन कर लेगा तो क्विज कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। सेकंड है क्विज सेक्शन, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। क्विज सेक्शन का पीछे मकसद क्या है उसको समझते हैं, ये होगी डेली बेसिस पे एंड इट इज वेरी इजी, ठीक है। अब इसका मकसद ये है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोई क्लास है, क्लास 10th है, मंडे में फिजिक्स की क्लास हुई है, केमिस्ट्री की क्लास हुई है, बायो की क्लास हुई है, ठीक है, मैथ की क्लास हुई है, तो जो लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, जो लेक्चर्स हुए हैं वो सब्जेक्ट टीचर जो है ओनली 3-3 क्वेश्चंस चाहे तो वो एमसीक्यू बना सकता है, जिसमें उसको क्वेश्चन के साथ दो ऑप्शन देने होंगे, या फिर वो ट्रू फॉल्स बना सकता है, यही दोनों जनरली हमें यूज करने हैं इस ए लेवल पे, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर क्या है, उस सॉफ्टवेयर को जब हम अच्छे से सीख लेंगे तो आप उससे क्या क्या कर सकते हो अपने टीचिंग में, और हम आगे उसको लेके प्रोसीड करेंगे आगे के सेशंस में, हम बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव क्लासेस उससे मतलब ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ क्विज सेक्शन पे ध्यान देना है। तो वो जो तीन क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट टीचर जो है अपने तीन क्वेश्चन या तो एमसीक्यू ओनली विद टू ऑप्शंस जो उस दिन उसने पढ़ाया है क्लास में उससे रिलेटेड, इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह बायो, इसी तरह मैथ, वो क्वेश्चन जो है वो क्लास टीचर को हैंडओवर कर देगा, ठीक है, इसको क्लास टीचर को हैंडओवर कर देगा, चाहे तो वो टेलीग्राम पे कर दे हैंडओवर, चाहे वो किसी पेपर पे राइट करके कर दे, लेकिन टेलीग्राम पे कर दे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब ये जब क्विज रेडी हो जाएगा तो क्लास टीचर जो है वो, लेकिन क्विज जो है अभी कैरी ऑन नहीं करेंगे, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर है कहूट करके है, ये पेड सॉफ्टवेयर होता है और स्कूल के लिए एक प्रीमियम वर्जन होता है जिसको यूज करते हैं, तो ये सिंगल सॉफ्टवेयर को सारे क्लास टीचर्स यूज करेंगे और स्कूल के प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे, ठीक है। ये जो है अजीजिया के मैंने लिया है वो प्रीमियम वर्जन ही लिया हुआ है अजीजिया के लिए, तो हम इसको डेली जो है स्टूडेंट्स पे यूज करते हैं और स्टूडेंट्स इंजॉय करते हैं उस इंटरक्टिव सेशन को, उस इंटरक्टिव लर्निंग को। अब ये लॉगिन हो रहा है, तो देखिए जैसे ही जब कहूट जो है लॉगिन हो जाएगा,
मैं सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा हूं। अभी क्विज पे हमें मंडे से वर्कआउट नहीं करना है, जैसे ही हम ओन कर लेंगे उस सॉफ्टवेयर को तो उसके ऊपर अलग से एक आधे घंटे की वर्कशॉप हो जाएगी। इट विल हार्डली टेक 20-30 मिनट्स टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, जब लैपटॉप पे खोलते हैं तो इस तरीके से कुछ हमें कहूट का इंटरफेस दिखता है। हमारा कंसर्न सिर्फ इस पे होगा, मेरा एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, हमारा कंसर्न होगा क्रिएट पे। जैसे ही हम क्रिएट पे जाएंगे तो जो जो क्वेश्चंस हमें दिए हैं सब्जेक्ट टीचर्स ने, हम जाएंगे न्यू कहूट पे, क्रिएट करेंगे इसको और उसके बाद टाइटल डाल देंगे, ठीक है। टाइटल में हम क्या डालेंगे, जो क्लास है, देखिए जैसे मान ली क्लास सिक्स है, उसके बाद क्या डेट है, 13-12 का है, ठीक है। तो क्लास हो गई और डेट हो गई, क्योंकि ये एक क्लास का क्विज होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने APGR का फोटो अपलोड करेंगे और फाइनली डन कर देंगे, और कुछ नहीं हमें करना। अब जो क्वेश्चंस है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया, दैट इज डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जो दो ऑप्शंस मैंने दिए थे तो वो यहाँ पे टीचर लिख देगा, सेल हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया टिश्यू, ठीक है। और जो करेक्ट है वो सेल ऑप्शन है, तो उसको जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देगा ग्रीन, ठीक है, ताकि जब वो अपलोड होगा तो फिर उसके बाद जो है इसी तरह एड क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी दिस, यहाँ पे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइम चेंज कर सकते हैं, यानी 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, अगर मैथ का कोई क्वेश्चन है तो हम टाइम 240 सेकेंड्स तक मैक्सिमम बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो क्वेश्चन की लिमिट है वो सिर्फ 100 वर्ड्स की है, 100 लेटर्स की है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही हम दे सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो स्टूडेंट ने रोजाना पढ़ा वो जाके एक बार उसको क्विज के थ्रू एक क्विक रिवीजन हो जाए, और इससे मैंने देखा है बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, ये प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं चाहूंगा कि हम इसको बहुत जल्द अप्लाई करें अपने स्कूल पे, और सारे टीचर्स आप इसको पर्सनल लेवल पे अपनी अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड इट वेरी 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 इफेक्टिव, ठीक है। बहुत कुछ इसमें हम कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि क्विज और ट्रू फॉल्स, ये दोनों अभी हमें करना होगा, ठीक है। तो हम ट्रू फॉल्स अगर देना चाहते हैं तो ट्रू फॉल्स सेक्शन पे जाएंगे और वहां पे टाइप कर देंगे, फॉर एग्जांपल टिश्यू इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये फॉल्स है तो हमने फॉल्स पे लगा दिया। हम बच्चे को टाइम देना चाहते हैं कम, हम कम कर सकते हैं, टाइम देना चाहते हैं ज्यादा, हम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह वो जो आपके 9-10 क्वेश्चन होंगे तो क्लास टीचर को इस पे क्रिएट करना होगा। जब वो सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, डन करेगा वो, और डन करने के बाद प्ले नाउ। अब देखिए प्ले नाउ पे एक सेक्शन आता है टीच, टीच मतलब जब आप टीच पे सेलेक्ट करोगे तो ये लाइव चलेगा, हमें लाइव नहीं चलाना, हमें क्या करना है, असाइन करना है। तो जब हम असाइन करते हैं तो किसी भी क्विज की लिमिट उस दिन के, यानी कि 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर सेलेक्ट किया, और रात में 11 बजे तक मैक्सिमम उसकी टाइम लिमिट होती है, मतलब रात में 11 बजे से पहले पहले कभी भी बच्चा उसको प्ले कर सकता है, और जैसे ही वो बच्चा प्ले करेगा उसके जो होंगे सब कुछ लीडर बोर्ड में स्टोर हो जाता है। तो हमने क्वेश्चन क्रिएट किए, उसके बाद डन किया, उसके बाद हम प्ले कहूट पे गए, असाइन किया, डेट सेलेक्ट किया जिस दिन का वो है, ठीक है, और टाइम सेलेक्ट किया, मैक्सिमम नीचे आए 11 बजे तक, हम रैंडमाइज आंसर को कर सकते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और क्रिएट पे जाएंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे जाएंगे तो फौरन आपको दो चीजें दिखाई देंगी, देखिए अब ये कहूट क्रिएट हो गया, ये क्विज क्रिएट हो गया, अब यहां पे दिखाई देगा नीचे गेम पिन और कॉपी URL। अब इसके साथ क्लास टीचर को गूगल क्लासरूम पे क्या करना है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें क्रिएट हो गई तो हम ये जाएंगे, ठीक है, क्लास वर्क सेक्शन में गए जैसे मैंने आपको बताया था, और क्रिएट पे गए, ठीक है, क्रिएट सेक्शन, दैट इज अ कॉमन सेक्शन, और कहां पे गए, मटेरियल में गए, ठीक है। सबसे पहले जो हमें करना होता है, हमें क्या करना है, क्विज, तो सबसे पहले टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए। अक्सर क्या होता है कि टॉपिक सेलेक्टेड नहीं होता है, जल्दीबाजी में हम शेयर कर देते हैं तो वो कहीं भी शेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्विज सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद टाइटल में डाला, दैट इज क्विज
क्लास क्विज, ठीक है, उसके बाद डेट डाला यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गेम पिन है, इस गेम पिन को डाल दीजिए। कभी कभी किसी बच्चे में गेम पिन मांगता है, लेकिन 99% में गेम पिन नहीं मांगता, तो गेम पिन यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऐड सेक्शन। इस ऐड सेक्शन में आप कोई भी फाइल, कोई भी लिंक, कोई भी वीडियो, वॉट एवर आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे उस गेम का लिंक भेजना है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी यूआरएल किया और उसके बाद जाके यहाँ पे लिंक सेक्शन में गए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और ऐड लिंक कर दिया। जैसे ही लिंक ऐड करेंगे, उसके बाद जैसे ही इसको सेंड करेंगे, ठीक है, पोस्ट करेंगे, तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्विज का सॉफ्टवेयर होगा जो क्लास टीचर को हैंडल करना है। तो क्लास टीचर की सिर्फ दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट और क्विज। और क्विज तब जब हम इसको बोलेंगे, जब इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से, यानी जब उसको हम ओन कर लेंगे सॉफ्टवेयर को, तो इसके ऊपर एक और 20 से 30 मिनट का हो जाएगा, ताकि हम लोग एकदम मास्टर हो जाए और उसको अपलोड करना सीख जाए। तो यहाँ पे हमने टाइटल में क्लास क्विज डाला और जैसे ही डिस्क्रिप्शन में पिन डाला, लिंक शेयर किया और उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट किया और उसके बाद पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्विज हम पोस्ट करेंगे ऑन डेली बेसिस। इसमें क्विज पोस्ट करने में या फिर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी टीचर को, किसी भी मेरे रेस्पेक्टेड टीचर को, तो पूछ सकता है। क्लास टीचर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बस, इस सेशन में दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। सर इसको सेलफोन से कैसे करेंगे? अच्छा, फोन से। देखिए, फोन से करने के लिए हमें कहूट सॉफ्टवेयर फोन पे चाहिए, तो वो जब उस पे क्रिएट कर लेंगे, तो सेम इसी तरीके से कहूट का ये जो इंटरफेस है, ये क्रिएट हो जाता है फोन पे, ठीक है। और फोन पे कैसे हम क्विज क्रिएट करते हैं, वो भी एकदम इजी है, एकदम सेम इसी लैपटॉप की तरह। और जब उसको हम फाइनली क्रिएट कर लेते हैं, तो इसी तरह से गेम पिन आ जाता है और यूआरएल आता है। तो फोन पे जब जाएंगे, तो हम गए अपने गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लास 6 का क्विज अपलोड करना है, तो मैं प्लस साइन पे जाऊंगा, मटेरियल पे जाऊंगा और उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल क्विज, सेव करूंगा, टाइटल डालूंगा क्लास 6 और डेट डालूंगा किस डेट की वो क्विज है, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, वही मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होगा, अभी इस वाले जो मोबाइल मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, इसमें ही अपलोडेड नहीं है, ठीक है। तो कहूट का सॉफ्टवेयर होगा, उसको हम ओपन करके और उसके बाद फाइनली यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लिंक पेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए अटैचमेंट सेक्शन बना हुआ है, अटैचमेंट सेक्शन में जाएंगे, लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे लिंक अपना पेस्ट कर देंगे, वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन पेस्ट इट। तो वो जब हम कहूट को वर्कआउट करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें जो है एक बार और समझ लेंगे। एक मिनट, किसी को कोई मैसेज है किसी टीचर का? इज दिस ओनली फॉर क्लास टीचर्स? हाँ, क्लास टीचर्स ही करेंगे। क्लास टीचर्स दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, एक डेली अटेंडेंस रिपोर्ट और क्विज। ठीक है, अब हम आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, क्लास टीचर्स की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो क्लास टीचर कल से अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू कर देगा, दैट इज डेली अटेंडेंस रिपोर्ट। आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं सब्जेक्ट टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सब्जेक्ट टीचर को गूगल क्लासरूम पे क्या वर्कआउट करना है, सब्जेक्ट टीचर्स। तो सेकेंड इज सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास 6 टू 12, ठीक है। सब्जेक्ट टीचर्स जो होंगे, वो सब अपने सेक्शन में अपलोड करेंगे। अपने सेक्शन में मतलब ये हो गया कि लेट मी डिस्कार्ड दिस पोस्ट। देखिए यहां पे मैंने किया था, तो क्विज में ये ड्राफ्ट शो करेगा, इसको मैं डिलीट कर दूं।
ठीक है, और क्योंकि सारे टीचर्स कनेक्टेड हैं तो हमारा जो भी अपलोड है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बने हुए हैं, क्लियर, देखिए सब्जेक्ट्स बने हुए हैं, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको टॉपिक के फॉर्म में शो होगा, जैसे 12th 11th साइंस है तो 11th साइंस के ये सब्जेक्ट्स दे हुए हैं, तो सब्जेक्ट टीचर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट के टॉपिक में अपलोड करेंगे, टॉपिक मतलब जो गूगल क्लासरूम का टॉपिक होता है जो हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोलॉजी का हूँ तो मैंने देखिए डेमो के लिए ये उसी दिन डाल दिया था, कुछ दिन पहले देखिए मैंने ई नोट्स डाला, ई नोट्स बच्चों के बायोलॉजी के नोट्स मैंने अटैच करके डाल दिए, तो मैंने बायोलॉजी के सेक्शन में वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी कॉपी सबमिशन मुझे करनी थी तो कैसे करेंगे ये सब मैं बताऊंगा कि किस सेक्शन में क्या लिखना है, और इसमें लिखा मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड गेट इट चेक्ड ऑन सैटरडे, दैट इज दिस। अब इसको कैसे हम अपलोड करेंगे, तो सबसे पहला है सब्जेक्ट टीचर्स के लिए जो है वन थिंग इज एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है कि जो सब्जेक्ट टीचर है क्लास 6 से लेकर 12 तक जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, अगर वो क्लासरूम में या फील्ड में कोई भी अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी कराता है, कोई क्विज करा रहा है, कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, कुछ भी करा रहा है, तो उसका उसको क्या ले लेना है, एक स्नैपशॉट ले लेना है, ठीक है, एक फोटो उसकी ले लेनी है। स्नैपशॉट लेने के बाद यही स्नैपशॉट अब वो अपलोड करेगा, ताकि इसका क्या फायदा है, एक तो जो पेरेंट्स या गार्जियंस हैं उनको पता चलेगा कि व्हाट एक्स्ट्रा वी आर डूइंग, और वी विल बी कनेक्टेड टू मैनेजमेंट दैट वी आर डूइंग ऑन द बेस्ट बेसिस, और तीसरा ये कि जो सब्जेक्ट टीचर है उसका अपना एक रिकॉर्ड होता रहेगा गूगल क्लासरूम पे कि यस मैं क्लास 6 में साइंस में ये कराता था और ये चीजें हुआ करती थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे वही अगेन, देखिए सब में वही चीज कॉमन है, क्लास वर्क सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लैपटॉप से ज्यादातर आप मोबाइल से डील करोगे, वो भी मैं बताऊंगा और लैपटॉप सेक्शन का भी बताऊंगा। क्रिएट में गए, मटेरियल में गए, ठीक है। अब जो एक्टिविटी है, क्योंकि आप तो क्लास के लिए अपलोड कर रहे हो, यानी अगर क्लास 6 की एक्टिविटी हुई है तो क्लास में ही जाएगी, तो यहाँ पे क्लास अब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्विज में क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि क्विज आप जब बनाओगे तो एक कहूट सॉफ्टवेयर सेवरल टीचर्स यूज करेंगे, तो उनको कंफ्यूजन ना हो कि मेरे क्लास की कौन सी क्विज है, तो उसके लिए वहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए क्लास मेंशन करना था। तो अब जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स जो है अपलोड करेंगे उनको वहां पे क्लास मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास में ही अपलोड होगा उसी पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है। तो टाइटल में एक्टिविटी से रिलेटेड आपको फोटो अपलोड करनी है, तो सबसे पहले जैसे एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने करवाई थी हमारे प्रीतम सर ने, ठीक है, क्लास 8 की वो एक्टिविटी थी, तो मैंने अपलोड भी किया था और कैसे अपलोड किया था वो भी बताऊंगा। तो आप जो भी है आप एक्टिविटी कराओ, फौरन उसका एक स्नैपशॉट लो और उसको अपलोड कर दो। कैसे करना है देखिए, जैसे उन्होंने कराई थी तो देखिए यहां पे लिखा साइंस एक्टिविटी, सबसे पहले मैथ्स एक्टिविटी, एसएसटी एक्टिविटी, उसको पहले हम मेंशन करेंगे। साइंस एक्टिविटी लिखा, फिर वो एक्टिविटी का टाइटल, वो एक्टिविटी क्या था, क्विज था, पेरिस्कोप मॉडल बनवाया हमने, क्या करा, मतलब वो सारी चीजें, और उसकी डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी मेंशन करेंगे कि साइंस एक्टिविटी है या कौन सी एक्टिविटी है, फिर उस पर्टिकुलर टाइटल को लिखेंगे और उसके बाद हम मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्रिएट में जाएंगे, मटेरियल, सिर्फ मटेरियल सेक्शन को यूज करना है हमें इस अभी, ठीक है। और हमने वो एक्टिविटी डाली, यानी कि साइंस एक्टिविटी या मैथ एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद जो भी था पेरिस्कोप, ठीक है। उसके बाद डेट, फॉर एग्जाम्पल 13/12/2020, व्हाटएवर, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हैं कि भाई हमने ये करवाया था, इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट टाइम ऑन इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक। और आप फाइल में जाइए, जैसे ही आप फाइल में जाओगे तो अपलोड सेक्शन का आएगा और आप अपने फाइल मैनेजर से, अपने फोन के स्टोरेज से उस फोटो को अपलोड कर दें, या अपने लैपटॉप से उसको अपलोड कर दें, ब्राउज करके आप अपलोड कर दें। उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट टीचर ने किया है तो वो वहां पे अपलोड, यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर लेगा कि साइंस रिलेटेड। मैथ सब्जेक्ट वाले ने किया होता तो वो मैथ को सेलेक्ट करता, अपने सब्जेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करना है, मतलब सेक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहां से उसको वो पोस्ट कर देगा। अब आते हैं मोबाइल सेक्शन में, मोबाइल सेक्शन में क्या करना है,
ठीक है। तो मोबाइल सेक्शन में सिंपल हम गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस साइन पे मटेरियल पे गए, टाइटल में डालेंगे वही कि साइंस एक्टिविटी, पेरिस्कोप, डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा सब्जेक्ट है साइंस, हमने उसको सेलेक्ट किया, यहाँ से सेव किया। उसके बाद जो है हम अटैचमेंट पे जाएंगे। जैसे ही हम अटैचमेंट पे जाएंगे, या तो हम डायरेक्ट फोटो भी ले सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर जो फोटो खींची हुई है उसको हम यहां से अपलोड कर देंगे, उसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फाइनली सेंड का ऑप्शन है, उसको सेंड कर देंगे। तो आपके सब्जेक्ट के सेक्शन में आपकी वो एक्टिविटी अपलोड हो जाएगी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? पहली जो सब्जेक्ट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी एक्टिविटी अपलोड करना, जरूरी नहीं कि आप डेली करें, जब आप करवाएं तब उसको अपलोड करें। किसी को कोई कंफ्यूजन? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब्जेक्ट टीचर की होगी, ठीक है, एक तो एक्टिविटी अपलोड कर रहे हैं, सेकंड है होमवर्क देना। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके, नाउ सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होमवर्क। अब जो भी आप होमवर्क देना चाहते हैं, एक तो देखिए सब्जेक्ट टीचर जो भी होमवर्क दे रहा है उसको क्लास में जरूर मेंशन कर दे, क्लास में जरूर लिखवा दे। ये होमवर्क हम जब अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम पे, पहला ये है कि गार्जियन को पता चलेगा कि होमवर्क मिला उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दूसरा एक रिकॉर्ड हो जाएगा जो स्टूडेंट डिलीट नहीं कर सकता कि भाई आज हमें कुछ होमवर्क ही नहीं मिला, कुछ नहीं पढ़ाया गया स्कूल में, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है, ठीक है। तीसरा कि आपके पास भी रहेगा कि हाँ मुझे ये होमवर्क कलेक्ट करना था जो मैंने वहां पे दिया हुआ था, जो आप पर्सनल लेवल पे वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो भी आपको होमवर्क देना है बच्चों को, ठीक है, व्हाटएवर, तो उसमें आपको उस पर्टिकुलर क्लास में जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास 8th में गए, मैं इसको जरा डिस्कार्ड कर दूं, हाँ। अब वहां पे उस क्लास में गए आप, मटेरियल में गए, ठीक है। मटेरियल में मान लीजिए मुझे बायोलॉजी का होमवर्क देना है, तो वो मैं मेंशन करूंगा पहले बायोलॉजी होमवर्क, या आपको साइंस का होमवर्क देना है तो आप वो पहले मेंशन करोगे बायोलॉजी होमवर्क या फिजिक्स होमवर्क या मैथ होमवर्क, ये मेंशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट जिस दिन दे रहे हो आप, तो यहाँ पे 13/12/2020 वो डेट हमने डाल दिया, और उसमें अगर कोई सबमिशन डेट है तो वो सबमिशन डेट यहां पे मेंशन करना है, ठीक है। सबमिशन डेट यहां पे मेंशन करना है, सबमिशन डेट, ठीक है। और मान लीजिए आपको 14 में चाहिए, आपने यहां मेंशन कर दिया, तो होमवर्क देने के सेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, क्लास 6-12 कंप्लीट, कि आपने लिखा वहां पे जैसे कॉमर्स होमवर्क है या अकाउंट्स होमवर्क है तो अकाउंट्स होमवर्क मेंशन किया, उसके बाद उस डेट डाली जिस दिन आप दे रहे हैं, और उसके बाद सबमिशन डेट वहां पे लिखेंगे कि किस दिन उसको सबमिट करना है, ताकि टाइटल देखते ही बच्चा समझ जाए कि ये नया होमवर्क है या पुराना वाला होमवर्क है, क्योंकि जो चीज आप अपलोड करते चले जाएंगे पुरानी नीचे आती चली जाएगी, नई आगे आती चली जाएगी। उसके बाद आप टॉपिक सेलेक्ट करें, टॉपिक जो है सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे मान लीजिए ये जीके का होमवर्क है, तो मैंने जीके का उसमें सेलेक्ट किया, बायोलॉजी का होमवर्क है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ इसको ताकि वो अच्छे से सिंक हो जाए, ठीक है। तो ये जीके का होमवर्क है, मैंने जीके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद जो आपको होमवर्क देना है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें, मतलब व्हाटएवर, कि कंप्लीट योर पेज नंबर 2 and 3 ऑफ जीके बुक, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है सबमिशन डेट, तो यहाँ पे आप जो है उस डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं, और उसके बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि टॉपिक सिलेक्टेड है या नहीं। हाँ, होमवर्क में अगर आप कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं उसको, यानी कोई लिखा हुआ क्वेश्चन देना चाहते हैं, उसकी आपने फोटो ले रखी है या फिर कोई फाइल है, तो वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अटैच कर सकते हैं, और फाइनली जो है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दिए कि द क्वेश्चन इज बीइंग अटैच्ड विद इट, तो वो बच्चा जब जाएगा उस फाइल को खोलेगा तो उसको क्वेश्चन वहां पे दिख जाएगा। तो ये है कि जो सीनियर क्लासेस के लिए है,
कि आप वहां पे कोई फाइल या कोई लिंक अटैच करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉमर्स का सेक्शन है, कॉमर्स में एक क्वेश्चन है, तो वो बुक से एक क्वेश्चन आपने स्नैपशॉट उसका लिया और यहाँ पे आके उसके फाइल को अटैच कर दिया और ये होमवर्क दे दिया और ये इसका सबमिशन डेट दे दिया। ठीक है, सेम मोबाइल से क्या करेंगे, सेम वही चीज है। ठीक है, आप प्लस साइन में गए, उसके बाद मटेरियल में गए, टाइटल डाला, ठीक है, टाइटल डाला कि भाई जीके होमवर्क, फिर उसके बाद डेट, उसके बाद सबमिशन डेट। ठीक है, फिर फाइनली डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा, टॉपिक सेलेक्ट किया जिस सब्जेक्ट का होमवर्क है, फिर उसके बाद अपना अटैचमेंट अगर आपने कोई देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिए, एक उसमें आप कितनी भी फाइल कितनी भी वीडियो आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि बायोलॉजी नोट्स जब मैंने अपलोड किया तो वहां पे 13-13 14-14 चैप्टर के नोट्स जो हैं वो एक ही सेक्शन में अपलोड हो गए बायोलॉजी ई नोट्स में। तो आप कितनी भी फाइल कितनी भी वीडियो अटैच कर सकते हैं, वन बाय वन आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपने लिंक सेलेक्ट किया, आपने लिंक ऐड कर दी, उसके बाद फिर अटैच में जाए, फाइल सेलेक्ट करना है फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, आप कितने भी क्वेश्चन कितने भी फाइल उसमें अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें होमवर्क देना है जो सब्जेक्ट टीचर की सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी टीचर को कुछ पूछना है? यस, नोट्स पे भी आ रहे हैं, नोट्स पे भी आ रहे हैं। ओके, मैं यहां से इसको डिलीट कर दूं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, दूसरा होमवर्क, तीसरा कॉपी सबमिशन के लिए आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कॉपी सबमिशन के लिए। ठीक है, कि कॉपी कब सबमिट करना है, तो वही है कि आप जब जाएं तो मटेरियल पे जाएंगे, क्योंकि इसमें सेम वही चीज है, मटेरियल पे गए, फिर उसके बाद टाइटल लिखेंगे। टाइटल में जैसे मान लीजिए मुझे बायोलॉजी कॉपी सबमिशन कराना है, तो मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे बायोलॉजी कॉपी सबमिशन टाइटल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे ही सेम वैसे ही होमवर्क की तरह हम इसको मेंशन करेंगे। देखिए गए यहाँ पे टाइटल पे, प्लस पे गए, और उसके बाद मटेरियल पे गए, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, बायोलॉजी कॉपी सबमिशन, यानी जो आप दे रहे हो वो यहाँ मेंशन करना है। सबसे पहले कॉपी सबमिशन होना है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, और आगे फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सबमिशन डेट। किसी का माइक अभी ऑन है, सबमिशन डेट। ठीक है, सबमिशन डेट मान लीजिए मुझे 15 को करना है। ठीक है, 15/12/2020, और फिर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि भाई आप लोग कॉपीज जो है वो इस चैप्टर की कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद हम सेंड का ऑप्शन यहाँ पे दबा देंगे। टॉपिक सेलेक्ट जरूर करेंगे, अपने सब्जेक्ट को जरूर सेलेक्ट करेंगे, ये बार बार मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर वो बिना किसी सेक्शन के अपलोड होगा। ठीक है, ना गार्जियन को सही से दिखेगा ना कुछ। ठीक है, तो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज कॉपी सबमिशन, एक्टिविटी, होमवर्क, कॉपी सबमिशन। अब आते हैं नोट्स पे, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप उनको कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं बनाने के लिए, कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, वहां पे भी आपको सेम करना है। मतलब प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं तो वहां मेंशन कर दीजिए कॉमर्स प्रोजेक्ट, सबमिशन डेट, और डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि उस प्रोजेक्ट का क्या टाइटल होगा और कैसे उसको करना है। अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और सेंड का ऑप्शन दबा दीजिए। असाइनमेंट भी अगर आप देना चाहते हैं, मैं गूगल क्लासरूम का असाइनमेंट सेक्शन अभी भी कह रहा हूं कि हम अभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस असाइनमेंट सेक्शन को यूज करने के लिए बहुत, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ असाइनमेंट, तो जब भी असाइनमेंट देंगे तो असाइनमेंट वाला टैब नहीं सेलेक्ट करेंगे। हमें असाइनमेंट देना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वाला ही सेलेक्ट करना है टैब। ठीक है, और उसमें भी हम यही मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैथ असाइनमेंट, सबमिशन डेट कब क्या होगी, और उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल लिख देंगे। अगर आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह नोट्स
ठीक है, नोट्स में भी जो भी आप नोट्स अपलोड करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मटेरियल में जाइए, टाइटल लिख दीजिए वहां पे, फॉर एग्जांपल जीके नोट्स, ठीक है, जीके नोट्स आपने लिख दिया, टाइटल को सेलेक्ट कर लिया तो वहां पे आ जाएगा, और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट किया, और फाइनली जो भी नोट्स हैं उनको आप अटैच करते जाइए वन बाय वन, यानी आपकी फाइल है तो फाइल वन बाय वन अटैच करते जाइए, या लिंक है तो उस लिंक को अटैच करते जाइए, ठीक है, इस तरीके से। और फिर डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं जो हमने अपलोड किया है, फॉर एग्जाम्पल क्लास टेंथ का है, 9th, 10th, 11th, 12th मैंने बायो के नोट्स अपलोड किए हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लास वर्क सेक्शन में गए और मेरा जो है यहाँ पे आपको बायो सेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है, देखिए मैंने साइंस सैंपल पेपर सबमिशन जो है, जो मेरी वीडियो थी वो मैंने अपलोड किया बच्चों के लिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो वीडियो का लिंक मैंने भेज दिया, और यहाँ पे देखिए मेंशन किया है साइंस सैंपल पेपर डिस्कशन, ताकि टाइटल देखते ही पता चल जाए, ई नोट्स था तो मैंने ई नोट्स डाला, ठीक है, उसके बाद ठीक है यहाँ पे एक चीज मुझसे छूट गई, मैंने बायोलॉजी ई नोट्स नहीं डाला, जो कि मुझे वहां पे मेंशन करना चाहिए था, ई नोट्स डाला, और उसके बाद एक एक करके जो है मैंने फाइल को अपलोड कर दिया, ठीक है, फाइनली उसके बाद कॉपी सबमिशन के लिए भी, वेट अ सेकंड, इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉपी सबमिशन का, तो कॉपी सबमिशन का भी देखिए वही गए, मैं क्या किया, मैं मटेरियल पे गया, उसके बाद मटेरियल सेक्शन पे हमने टाइटल डाला, टाइटल डालने के बाद जो है वो जो है जो हमें कॉपी सबमिट करना था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया, तो बायोलॉजी कॉपी सबमिशन मैंने लिखा और यहाँ पे डेट लिख दी, और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्टिल नॉट सबमिटेड देयर कॉपीज कंप्लीट द एनसीईआरटी क्वेश्चन कॉपी एंड गेट इट चेक बाय सैटरडे दैट इज 14/12/2020, तो उस डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आप बच्चों को कोई वीडियो भेजना चाहते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप कर सकते हैं, मटेरियल सेक्शन में जाएंगे उसके बाद टाइटल डालेंगे, मान लीजिए मैथ का है फॉर एग्जाम्पल हीरोंस फॉर्मूला का है, तो आप डालेंगे कि हीरोंस फॉर्मूला वीडियो, और उसके बाद उसके अटैचमेंट फाइल में जाके उस वीडियो को आप अटैच कर देंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जाना है, जैसे गए मटेरियल सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है ऐड पे गए, अगर यूट्यूब वीडियो है तो यूट्यूब पे जा सकते हैं और वहां पे आप उस यूआरएल को पेस्ट करते हैं, जो उसका यूआरएल होगा वीडियो का उसको आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट वीडियो सर्च भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, तो वो वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है, देखिए Let me show you. देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो वो वीडियो भी है, यहाँ पे मैंने डाला साइंस सैंपल पेपर डिस्कशन बोर्ड एग्जाम्स बाय सासर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीडेड नहीं था, मैंने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने जो है पोस्ट कर दिया था, तो फाइनली ये सेव्ड मटेरियल है तो वो सेव में दिखा रहा है, ठीक है, तो क्लास टीचर्स के साथ साथ सब्जेक्ट टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भी जो एक्टिविटी आप करें उसको अपलोड कर दें, होमवर्क कैसे देना है ये बता दिया गया, कॉपी सबमिशन के लिए आपको देना है, नोट्स के लिए देना है, ये चार मेन है आपके जो सब्जेक्ट टीचर करेगा, ठीक है, एक्टिविटी, होमवर्क, कॉपी सबमिशन और नोट्स जो आपको देना है, और साथ साथ अगर आप कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देना चाहते हैं बच्चों को तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप अपलोड कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप कोई इंफॉर्मेशन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को देना चाहते हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि मटेरियल सेक्शन में हमें जाना है और टॉपिक को सिलेक्ट नहीं मतलब भूलना नहीं है, हमारा सब्जेक्ट साइंस है तो मैं साइंस को सिलेक्ट करूं, जो भी हमें मैसेज देना है डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और टाइटल शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म, बताइए इसमें किसी को किसी टीचर को कोई कंफ्यूजन है, नो सर वेरी नाइसली यू आर एक्सप्लेनिंग, थैंक यू सर, थैंक यू, आई थिंक इट्स बस ये कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
बिल्कुल बस वही बिल्कुल है, जितना आप कर लेंगे उतना आप और अच्छा हो जाएंगे। हाँ जी, इसीलिए मैंने एकदम ए लेवल पे एकदम प्रिसाइज कर दिया है ताकि किसी टीचर को कोई प्रॉब्लम ना आए कि हमें किस सेक्शन में जाना है, सिर्फ और सिर्फ आप एकदम मटेरियल हमको सेक्शन को एसपीजी यूज की तरह करके। समझा रहे हैं। जी, सिर्फ मटेरियल सेक्शन को यूज करके हम अपना अभी इस सेशन में काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ेंगे जब इस ए लेवल को मास्टर कर लेंगे हम सब लोग, सारे टीचर्स। यस तो ये गूगल क्लासरूम से रिलेटेड एक वर्कशॉप थी, और जरूर जरूर, श्योर श्योर, इंशाल्लाह प्रीतम सर। अब सेकंड जो है, कुछ पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है, लेकिन वो आई थिंक टीचर्स सब नहीं है तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जैसे कल हाफ ईयरली एग्जाम का था। यूसुफ सर एक काम करते हैं, या तो फिर कल एक शॉर्ट मीटिंग लेते हैं लेना ही इस, पड़ेगा। हाँ वही वही जो कल जो है लेना बहुत जरूरी है मीटिंग वो वाली, क्योंकि देखिए अगर वो टीचर अभी ज्वाइन नहीं होगा तो फिर वो अपने कंफ्यूजन को क्लियर नहीं कर पाएगा, चाहे वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो, चाहे वो जो है मार्क मेंटेनेंस हो कि मार्क कहाँ अपलोड करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें समझनी थी आज फिर से, ताकि हम फाइनली सामने देखते स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे मैंने ड्राइव खोल रखा था तो टीचर को देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ इस सेक्शन में जाना है, इस वाले फॉर्मेट में ये मार्क्स अपलोड करने हैं, ठीक है, वो पूरा एक क्विक रिवीजन हो जाता। सर, जो मैनेजर सर के कमरे में एलईडी लगी है उस हाँ पे वर्कशॉप करा दीजिए एक बार। करा देते हैं, लेकिन वही है कि नेटवर्क का इशू होगा ना। अच्छा, वहां से उसको कनेक्ट कर देते हैं लैपटॉप को, इंटरनेट से कनेक्ट करें। हाँ हाँ ठीक, सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बड़ी एलईडी है वे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये उसी पे कर लेते हैं ताकि सारे टीचर्स को दिख भी जाए कि कैसे कैसे क्या करना है, वो चीज बहुत जरूरी है कि कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, कैसे करना है। और कल जो है, कल हाफ ईयरली और पेपर सबमिशन भी है कल हमारा, पेपर ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, जितने भी टीचर्स लोग ज्वाइन बना किए रहे थे, बन गया सारा। अब मुझे अभी बनाना है, अब जाके पहले इसको अपलोड कर देता हूँ, मैं लिंक भेज दूंगा, लिंक आप मैनेजर सर को भी भेज दीजिएगा, मैं एजुकेटर्स ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा अपलोड करने के बाद, ताकि अगर जी टीचर को बाद में भी किसी को कुछ समझना हो तो वो उस पर देख के समझ सकते हैं। जी तो जरूर। आज ये मीटिंग एंड करते रिकॉर्डेड हैं। रिकॉर्डेड वीडियो को वो यूट्यूब लिंक होगा ना हाँ, यूट्यूब लिंक होगा, जी सर। ठीक है। तो आज ये मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं, और अच्छा लगा और अच्छे से हुई, और कोशिश करेंगे कि सारे टीचर्स जुड़े क्योंकि बहुत नहीं जरूरी सर, है। सारे टीचर्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग का मैसेज आया कि मेरा हो ही नहीं पा रहा है तो कैसे जी करूं, जी और जी कुछ जी लोग ज्वाइन बिल्कुल करने के बाद उनका नेटवर्क इश्यू हुआ तो चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो वही है कि जितना भी है, कल जो है, कल या परसों में जो और हमें बात करनी थी वो हम वहां सामने एलईडी पे कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा फिर। ओके सर, ओके, थैंक यू एवरीवन, सारे टीचर्स को थैंक यू, अब इसको कल से थैंक शुरू करेंगे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, थैंक यू ऑल, ओके, गुड बाय सर, थैंक गुड बाय गुड यू, बाय। बाय।